अरकू घाटी आंध्र प्रदेश के दक्षिण भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम जिले में एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। यह जगह शायद दक्षिण भारत में एक सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन है, क्योंकि यहाँ पर्यटन के व्यवसायीकरण से अभी भी ये बचा हुआ है। घाटी की सुंदरता को तमिल, तेलुगु, जिसे टॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री कहा जाता है, उस फिल्मों में प्रदर्शित किया गया है। अरकू घाटी बीदर शहर से 114 किलोमीटर की दूरी पर है और उड़ीसा की सीमा से बहुत करीब है। घाटी अनंतगिरी और संकरीमेटा आरक्षित वन या रिजर्व फॉरेस्ट है, जो अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए जाने जाते हैं। यह घाटी जिन पहाड़ों से घिरी हुई है, उन पहाड़ों के नाम है रक्तकोंडा, चितामोगोंडी, गलीकोंडा और संकरीमेटा। गलीकोंडा पहाड़ी को आंध्र राज्य की सबसे ऊंची पहाड़ी होने का गौरव प्राप्त है। एक खूबसूरत हिल स्टेशन होने के अलावा अरकू घाटी अपने समृद्ध कॉफी बागानों के लिए भी प्रसिद्ध है। ताजी कॉफी बीन्स की सुगंध अरकू की पूरी हवा में है। दोस्तों, आज का ये एपिसोड कॉफी को समर्पित है। आज हम कॉफी के बारे में कुछ अजीबोगरीब जानकारी प्राप्त करेंगे। यह जानकारी शायद ही आपने कहीं पढ़ी हो या सुनी हो। क्या आपको पता है कॉफी की खोजकर्ता प्रक्रिया है? चलिए आपको पूरी कहानी सुनाते हैं। 9वीं सदी में इथियोपिया में एक शेपर्ड या मेंढपाल रहता था, जो पहाड़ियों में बकरियों को चराने के लिए लेके जाता था। उसका नाम काल्डी था। काल्डी ने इस बात को नोटिस किया कि एक पेड़ के फल खाकर बकरियां तरोताजा हो जाती है और वो रात को सोती नहीं है। काल्डी इन फलों को अपने गुरु के पास ले गया। गुरु ने बताया कि यह शैतान का फल है, इसको जला दो। जब उसे आग के हवाले किया तो उसका रोस्टिंग होके कॉफी बीन्स तैयार हो गए। उस जमाने में कॉफी ड्रिंक या पेय नहीं था, वो एक खाने की चीज थी। जी हाँ, अफ्रीका के गाला प्रजाति के लोग पके हुए कॉफी के फल को मांस में घोलकर उसे पकाकर खाते थे। बाद में उसे क्रश करके वाइन में मिलाना शुरू हो गया। इथियोपिया के अरब व्यापारी इस प्लांट को अपने देश येमेन ले आए और उसकी पैदाश करने लगे। इथियोपिया में कॉफी का नाम था काफा और अरब लोग इसे कावा कहते थे। 1475 में कॉन्स्टेंटिनोपोल शहर में पहला कॉफी शॉप खुला, जिसका नाम था कीवा हान। अरब में पहुंचा कॉफी फल मशहूर हुआ, जिसका कारण था इस्लाम धर्म अल्कोहल या मदिरा को हराम यानी प्रोहिबिटेड मानता है। उन्होंने कॉफी को मदिरा के पर्याय के रूप में स्वीकार किया। 1428 से 1448 के बीच में ग्रीक और रोमन में स्टैंड पर बसे स्पाइस ग्राइंडर की खोज हुई, जिसे बाद में कॉफी बीन्स को ग्राइंड करने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया।
1455 के पहले तुर्की में कानून था कि बीबी अपने पति को तलाक दे सकती थी अगर उसका पति उसे डेली कॉफी का कोटा देने में असमर्थ हो। 1535 से 1605 के बीच कॉफी यूरोप पहुंच गई। वहां के कुछ क्रिश्चियन ग्रुप कॉफी को शैतानी पेय या डेविल्स ड्रिंक मानने लगे। वहां के पोप ने यह तय किया कि वे उसे टेस्ट करेंगे और तय करेंगे उसे बैन करना है या नहीं। इस पोप महाशय ने कॉफी को खूब एंजॉय किया और उसे पवित्र पेय घोषित किया। ग्रेट ब्रिटेन की आज की मशहूर इंश्योरेंस कंपनी लॉयड्स ने 1688 में एडवर्ड लॉयड कॉफी शॉप खोला, जहां पर सेलर्स या दरियावर्दी और व्यापारी बैठकर अपना व्यापार करते थे। 17वीं सदी के शुरुआत में बाबा बुदान कॉफी के पौधों को अरेबिया से स्मगलिंग कर भारत ले आए। ये टोटल 7 पौधे थे और उन्हें यहाँ पे कल्टीवेट किया। 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश और बंगाल ऑफ नवाब के बीच में प्लासी की लड़ाई हुई, जिसे बैटल ऑफ प्लासी कहा जाता है। इसके बाद कोलकाता में पहला कॉफी शॉप खुला। में ब्रिटिश अधिकारी मिस्टर बोर्डे ने आंध्र के ईस्ट गोदावरी जिले के पामुलेरु वैली में कॉफी का ऑफिशियल प्लांटेशन किया। बाद में उसका क्षेत्र फैल गया और आरकू, आनंदगिरी और चिंतमपल्ली वन क्षेत्र में इसका प्लांटेशन शुरू हुआ। इंस्टेंट कॉफी की खोज एक जापानीज केमिस्ट ने 1901 में की। 1938 में ब्राजील में कॉफी का एक्सेस प्रोडक्शन या अतिरिक्त उत्पादन हुआ, तो नेस्ले कंपनी ने इस सरप्लस कॉफी का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इंस्टेंट कॉफी खोजी, जिसे हम लोग आज नेस्कैफे के नाम से जानते हैं। साउथ इंडियन फिल्टर कॉफी को कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया ने 1940 में इंडियन कॉफी हाउस में देना शुरू किया, जो बाद में कॉफी का एक पॉपुलर प्रकार बन गया। क्या आप जानते हैं कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन ब्राजील में होता है? दुनिया के टोटल कॉफी के उत्पादन में से 35% कॉफी का उत्पादन अकेला ब्राजील करता है। कॉफी दुनिया का पेट्रोलियम प्रोडक्ट के बाद सबसे बड़ा ट्रेड होने वाला कमोडिटी है। दोस्तों, ये सारी बातें सुनकर अगर आपका कॉफी पीने का मन हो रहा हो तो अब आप कॉफी ब्रेक ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये सारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, इसी तरह अगर आपको नए किस्से, नए कहानियां सुननी हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले एपिसोड में एक नई जगह, नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय।